दुनिया भर में नए साल को रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जबकि पंजाब में नए साल को ज्यादातर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के सिलसिले में मनाया जाता है। इसके तहत लुधियाना से बरनाला के मुख्य मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध कस्बे महल कला में दुकानदार संघ द्वारा सुखमणि साहब का पाठ किया गया, जिसमें प्रदेश भर की राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक हस्तियों ने शिरकत की। सुखमणि साहब के पाठ के बाद सरबत के भले की अरदास की गई, उसके बाद गुरु का लंगर अटूट वर्ताया गया। इस मौके पर दुकानदार संघ के अध्यक्ष गगन सराह ने हमारी टीम से बातचीत करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि नव वर्ष के अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने स्वयं हमारे बाजार में कदम रखा है और हमें सेवा करने का अवसर दिया है। महल कलां की जो दुकानदार यूनियन है उन्होंने वालों सारे जो मैंबर मान सहमान ने उन्होंने वालों सुखमणि साहब के अज प्रोग्राम का जो आरंभ किया गया है गलबात करते हैं प्रधान जी नाल। वीर जी सब तो पहला स्वागत है साढ़े चैनल दे विच। जो अज का समागम है जी उसके बारे चानना पाओ। अज सारे दुकानदार वालों थोड़ी थोड़ी अपनी जी दसानवा की कमाई है वो दसबंध कट के उदे नाल सुखमणि साहब दे अज पाठ करवाए गए ने बस स्टैंड महल कलां ते, जिस दे विच नवे साल की आमद दे ते दुकानदारां दी उन्हां दे परिवारां दी ते कम कारोबारां दी ते सरबत दे भले लई सारिआं दी चढ़दी कला वास्ते अज असीं सुखमणि साहब दे पाठ सारी मार्केट वल्लों सारे दुकानदारां दे सहयोग नाल करवाए जा रहे ने। इस तों बाद गुरु का लंगर आ जिहड़ा उह टुट वरतेगा ते तकरीबन सारा दिन लंगर चलदा। बरनाला से लक्षदीप गिल की रिपोर्ट।